हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग प्लान कर रहे हैं हमारा एनिवर्सरी ट्रिप, जिसके लिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पैकिंग। और पैकिंग में हमें लेके जाना है सिर्फ और सिर्फ केबिन बैग, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं दिल्ली टू फुकेट, और उसके अंदर हमारा सिर्फ केबिन बैग अलाउड है। और हमने चेक इन बैग नहीं लिया है, क्योंकि जितना लगेज हम लोग लेके जा रहे हैं उससे ज्यादा वहां पे शॉपिंग होने वाली है, हमें वापस भी लेकर आना पड़ेगा। सो वी डिसाइडेड कि मिनिमलिस्टिक लगेज को पैक करके लेके जाए, सो डैट हमें वहां पर ईज हो जब हम वापस आए। तो नॉर्मली मेरे पास जितना भी लगेज था वो मीडियम साइज में था और लार्ज में था, ऐसा कोई केबिन बैग नहीं था जो हम इजिली फ्लाइट के अंदर कैरी कर सके। तो ये मैंने ऑर्डर करा है अमेजोन से, और इसका ब्रांड है कैमिलियन बाय अमेरिकन टूरिस्ट। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी एमआरपी जो है वो 7500 की है, लेकिन इसका प्राइस हमें पड़ा है सिर्फ 1999 का। 1999 में कोई और केबिन बैग नहीं आ रहा था, तो हमें ये डील बहुत ज्यादा पसंद आई तो हमने इसे मंगा लिया। अब जल्दी से करते हैं इसकी पैकिंग। वैसे इस ब्लॉग के एंड में मैं आपको एक और केबिन बैग दिखाऊंगी जो हमने अक्षत के लिए मंगाया है, वो भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, बट उसका प्राइस समवेयर 5500 प्लस है। तो उसके अंदर इसके कंपैरेटिवली स्पेस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमारा नॉर्मली इतना लगेज नहीं है लेके जाने वाला, तो मेरा जितना भी सामान है वो उसके अंदर पैक हो जाएगा बहुत आराम से। तो अगर आप भी अपना वेकेशन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस ब्लॉग को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने कुछ ऐसे ड्रेसेस जिनको मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इस वेकेशन के लिए लेकर आई हूँ। और उसके साथ मैं आपको इसके ब्रांड्स भी बताऊंगी, इसके प्राइस भी बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस में ये कमेंट आते हैं कि जब आप ड्रेसेस, कपड़े, ज्वेलरी या कुछ भी दिखा रहे होते हो तो उसका प्राइस जरूर मेंशन करा करो, अदरवाइज उस वीडियो का कोई यूज या उस ब्लॉग का कोई यूज नहीं होता। तो सबसे पहले बीच वेयर में मैंने लिया है ये ड्रेस, और ये है H&M से। इसका साइज है मीडियम। वैसे हर ब्रांड के साइज अलग होते हैं, किसी का मीडियम आता है, किसी का लार्ज आता है, किसी का स्मॉल आ जाता है, तो ये वेरी करता है हर ब्रांड के साइज पर। तो ये मत सोचना कि अगर आपका भी फिजिक मेरी तरह है तो आपको ये आ जाएगा और ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। अनटिल और अनलेस जब तक आप ट्राई करके नहीं देखते, इसको ऑनलाइन ऑर्डर मत करना। और इसके साथ इसका मैं एक पेयरिंग कर रही हूँ जो मेरे पास एक वेरा मोडा की शर्ट है उसके साथ। तो सी ये वो शर्ट है और ये है वो बीच वेयर। तो जब आप बीच से आते हो तो आप काफी वेट होते हो, और उसके बाद अपने होटल तक ट्रैवल करने के लिए आपको एक लेयर अलग से चाहिए होती है। तो इट्स अ क्वाइट लेंथी शर्ट जो इजीली यू नो काफी अच्छी लेंथ शेयर कर लेती है। तो इस ड्रेस के ऊपर इसको एज अ केप या फिर इसको एज अ श्रग हम कैरी कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों की पेयरिंग करके इसका फर्स्ट सेट बना रही हूँ। तो अगर मैं इस शर्ट की बात करूं, ये है वेरा मोडा की और इसका साइज है लार्ज, और इसको मुझे परचेज करे हुए ऑलमोस्ट हो गए 6 महीने। और जब मैंने ये लिया था तब इसका प्राइस था समवेयर 3000 रुपीज, और ये है H&M का और इसका प्राइस है 1500 रुपीज। तो इसमें अभी टैग है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये पुरानी है और ये न्यू है। तो जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं तो कुछ ऐसी क्लब करके चीजों को रखना ज्यादा इजी रहता है, आप हर चीज न्यू भी नहीं ले सकते। और प्लस हमारा बैंकॉक भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो मोस्टली जितनी भी शॉपिंग होनी है वो वहीं से होनी है, बट स्टिल सेफर साइड मैं अपनी सारी ड्रेसेस लेके जा रही हूँ। तो ये है मेरा नेक्स्ट ड्रेस, अगेन ये बीच वेयर है और ये मैंने लिया है H&M से। इसका साइज भी मीडियम है। इसके मैं प्राइस की बात करूं तो ये है 2699 समवेयर 2700 रुपीज का। और इसका फुल लुक ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे आगे के व्लॉग्स भी देखो जिसमें मैं ऐसे कैरी करूंगी, तो इससे ज्यादा समझ आएगा कि इसका ओवरऑल लुक कैसा है। दो इट्स अ वेरी यू नो सिंपल डिसेंट एंड वेरी लाइट ड्रेस। तो ये रही एक और स्कर्ट, और मैं अभी इसमें कुछ भी आयरन करके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि कितना भी मैं इसे आयरन करके रख लूँ जब वेयर करने का टाइम आएगा तो इसको एक बार और आयरन करना पड़ेगा। और इसका प्राइस है 999 रुपीज, अगेन दिस इज फ्रॉम H&M। और दूसरी स्कर्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दो स्कर्ट्स अपने कलेक्शन में रखी हैं इस बार। ये रही वो दूसरी स्कर्ट, अगेन दिस इज फ्रॉम H&M, और दोनों का प्राइस 999 ही है, इसका भी और जो ये नीचे ग्रीन वाली है। लेकिन अभी इसका मुझे क्लियरली कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसे कैसे स्टाइल करने वाली हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है डे के हिसाब से, प्लस आपके डे पे क्या टोर है और कहाँ आप जा रहे हो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी हद तक प्लान करनी होती हैं। तो अगेन अगर आपको इसका फुल लुक चाहिए, फुल लुक देखना है कि मैं इसे कैसे स्टाइल कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको दिख जाएगा कि मैंने इनको कैसे प्ले करा है। और यहाँ मैं रख रही हूँ दो ब्रालेट्स। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप सारे ड्रेसेस अगर एक ही तरह के रख लोगे, या तो आप सिर्फ अगर शॉर्ट्स में जा रहे हो तो वो सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट्स ही आपको सारे पिक्चर्स में दिखेगा, प्लस अगर आप सिर्फ लॉन्ग में जा रहे हो तो सिर्फ लॉन्ग्स में दिखेगा। तो आपका जो भी पैकिंग होता है, आपके वेकेशन का जितना भी पैकिंग होता है, उसमें ये जरूरी होना चाहिए कि आपके पास यू नो हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ हो। जैसे अभी मैंने शॉर्ट ड्रेस भी रखी है, लॉन्ग ड्रेस भी रखी है, बीच ड्रेस, देन उसके ऊपर मैंने केप भी रखा है, देन मैंने दो स्कर्ट्स भी रखे हैं, उसके साथ मैंने ये दो ब्रालेट्स भी रख रही हूँ। ये दो ब्रालेट्स भी H&M के ही हैं और इन दोनों का ही सेम प्राइस है, दिस इज ऑल्सो फॉर 1299।
और दिस इज ऑल्सो फॉर 1 to 99, तो 1300 के आसपास के ये ब्रालेट्स हैं। इसको भी मैं इसी में रख रही हूँ और एक रख रही हूँ मैं एक और ये केप। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप बीच वेकेशंस पे जाते हो तो यू नो बीच के ऊपर आपने जो भी वेयर करा होता है, आपको जो भी बिकनी होता है वो यू नो वेट होता है, देन उसके ऊपर आपको एक लेयर चाहिए होता है। तो इस तरह के जो केप होते हैं ना, आपको एक लेयर भी दे देते हैं, प्लस आप अपने बीच से होटल तक बहुत ईजिली यू नो अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस है आप उसे भी कवर कर सकते हो। और एक यू नो वी इंडियंस हैव इंडियन मेंटालिटी, तो हम लोग बिकनीज को बीच में वेयर कर लें, डैट इन पब्लिक प्लेस, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बट आफ्टर दैट वी नीड समथिंग टू हाइड आवर सेल्फ और टू कवर आवर सेल्फ इन वन लेयर, तो इसलिए इस तरह के केप्स बहुत काम आते हैं। और ये जो केप है ये किसी भी ब्रांड का नहीं है, मतलब मैंने इसे स्ट्रीट मार्केट से लिया था एंड दिस इज हार्डली फॉर ₹300। और कुछ ऐसी ही शॉपिंग मैं बैंकॉक से भी करके आने वाली हूँ, क्योंकि यू नो बैंकॉक अपनी शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अलग अलग तरह के स्टाइल्स भी मिल जाते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में। तो या आपको मेरे आगे आने व्लॉग्स में ये भी दिख जाएगा कि हम बैंकॉक में क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं। तो अभी अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स हाई टाइम उसे सब्सक्राइब कर दो। तो ये भी एक बीच वेयर है, अगेन ये भी मैंने एक स्ट्रीट मार्केट से लिया है और इसका प्राइस है ₹800। तो पूल से निकलने के बाद, बीच से निकलने के बाद आपको काफ़ी सारे यू नो केप्स चाहिए होते हैं। तो एक मैंने ये रखा है, दूसरा मैंने ये रखा है, और सबसे पहले एक येलो कलर की शर्ट जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाई थी वो थोड़ी लेंथ में अच्छी है, तो मैंने एक वो भी रखी है। तो ये ड्रेस बहुत स्पेशल है और मेरे सारे कलेक्शन में से मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। ये ज़ारा का ड्रेस है और इसका प्राइस है ₹5000। एक्चुअली हमने एक दिन पूरा रिलैक्सेशन रखा है और एक ऐसी प्रॉपर्टी बुक की है जिसमें हम बाहर कहीं नहीं घूमेंगे, वो प्रॉपर्टी ही अगर आप पूरी घूमो तो उसके अंदर एक दिन आपको चाहिए। तो ये ड्रेस मैंने उसके लिए रखी हुई है, दो इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस। तो इसका प्रॉपर लुक आपको मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा, मैं ऐसे कितना भी दिखा दूँ ये समझ नहीं आएगा। एंड येस वन मोर थिंग, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब डिस्काउंट आ चुका है, जब मैंने ली थी ये फ्रेश में थी। तो अगर आप ये चाहते हो लेना तो आप एक बार इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, हो सकता है आपको कुछ 20% 30% इसको ऑफ में मिल जाए। तो ये एक और ड्रेस है, अगेन दिस इज फ्रॉम वेरोमोडा और इसका साइज मैं आपको बता देती हूँ, इसका साइज है स्मॉल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यू नो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि आपके ड्रेसेस का क्या साइज है क्या नहीं है, किसी का स्मॉल आता है, मीडियम आता है, किसी का लार्ज आता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार मैं अपने पुराने ड्रेसेस को और कुछ न्यू ड्रेसेस के साथ क्लब करके लेके जा रही हूँ। जब नए नए बड़े हो रहे होते हैं, कॉलेज टाइम होता है, तब तो लगता है कि ड्रेसेस रिपीट ही नहीं करनी, तो हम लोग कुछ भी वेयर करने लग जाते हैं, कहीं से भी पिक करने लग जाते हैं। देन आफ्टर सम टाइम एक एज पे ऐसा लगता है कि जो लोग क्वालिटी लो, चाहे आपको उसको 10 बार रिपीट क्यों ना करना पड़े, बट एटलीस्ट यू नो एक ग्रेस हमेशा पर्सनालिटी में रहनी चाहिए। तो ये मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डोंट गो फॉर चीप ड्रेसेस जो मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन सी कलेक्शन के लिए कुछ यू नो अप डाउन करना समझ आता है, बट डोंट गो ऑलवेज फॉर चीप ड्रेसेस, यू नो गो फॉर सच ब्रांड्स। और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको नॉर्मली 4000-5000 में एक ड्रेस बहुत ईजिली मिल जाएगी, बट द क्वालिटी, द फैब्रिक, द शीन एंड एवरीथिंग। और जब आप इन ड्रेसेस को कैरी करते हो ना तो सामने से ही पता चलता है कि आपने कोई ब्रांड वेयर कर रखा है, और ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही मेजर रोल भी प्ले करता है एट द सेम टाइम। तो या ये थी मेरी एक छोटी सी टिप, अगर लेनी हो तो प्लीज़ इसे यूज़ करके देखना, मज़ा आ जाएगा। और ये एक लॉन्ग ड्रेस है, इसके साथ ये बेल्ट भी है और इसका प्राइस है ₹3999, 4000 की ये ड्रेस है और इसका पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आता है। प्लस जब हम किसी वेकेशन पे जाते हैं ना तो हम टाइट ड्रेसेस से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लूज हो, कम्फी हो, तो ये ड्रेस एक वेकेशन के लिए परफेक्ट है। इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं इसी को वेयर करने वाली हूँ। और एक ड्रेस मैं आपको और दिखा देती हूँ, ये है कैंडी ड्रेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वेरोमोडा से है और इसका साइज, आई गेस इसका साइज का टैग चला गया है समवेयर, ये मीडियम साइज है और इसको मैंने अपने लास्ट एनिवर्सरी पे भी वेयर करा था। इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने इसको रख लिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप बीच से आते हो, आप चेंज के मूड में होते हो, आप कुछ बहुत ही ईजी ब्रीजी सा वेयर करना चाहते हो, एंड दिस इज लाइक सो कलरफुल ड्रेस, तो पिक्चर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं, तो मैं इसको भी रख रही हूँ फॉर सेफर साइड की जब कुछ समझ नहीं आएगा तो हम इसे भी वेयर कर सकते हैं। और उसके साथ एक ये ड्रेस भी है, अगेन दिस इज फ्रॉम वेरोमोडा और इसका साइज है M, बहुत ही कूल कम्फी और बैगी स्लीव्स के साथ ये ड्रेस है, हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, तो या मैं इसको भी सेफर साइड रख रही हूँ।
तो एक लास्ट ड्रेस जिसको मैं पैक नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हमारी एनिवर्सरी वाले डे, और उस दिन अगर मैं कुछ पुराना पहनती तो वो एक कुछ कमी रह जाती। तो उसके लिए मैंने मंगाया है ये लेवेंडर ड्रेस, दो इट्स वेरी वेरी प्रिटी, और इसको मैं पैक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। साइज मैंने मंगाया XL, क्योंकि उस दिन मेरा पूरा दिन ट्रैवल में निकलने वाला है, एयरपोर्ट पे फ्लाइट में, तो मुझे कुछ कंफर्टेबल सा चाहिए था। तो इट्स अ शर्ट ड्रेस और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। प्लस अगर अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाऊं तो सी, ऐसे आजकल जो बहुत ज़्यादा बैगर स्लीव्स चल रही हैं ये वो है। और मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो ये है 2995 की। तो अगेन इट्स अ नाइस ड्रेस इन दिस प्राइस, और ये 20 ड्रेसेस बाय नायका से है। अगर आप भी ऐसा कुछ लेना चाहते हो तो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। नॉर्मली जो ड्रेसेस वाला पार्ट था वो मेरा हो चुका है पूरा, मुझे इससे ज़्यादा ड्रेसेस नहीं लेनी है, क्योंकि बैंकॉक से मैं बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, तो हो सकता है कि कुछ वहीं से लेकर वहीं वेयर करें। तो अभी यहाँ से सिर्फ इतनी ही लेके जा रहे हैं, ताकि अगर किसी दिन यू नो शॉपिंग मिस भी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद जो इधर वाला एरिया बचा है, इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ अपने सारे ज्वेलरी, सारे लॉन्जरीज और कुछ मेकअप। तो इस व्लॉग को एज ऑफ नाउ यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ऐसे कौन से ज्वेलरी पीसेस हैं जिनको मैं लेके जाने वाली हूँ, जो वैकेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो जिससे आपको भी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो, एंड मीन वाइल मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो, सो डैट आपको उसमें से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी सेफ बी हैप्पी, बाय बाय।